हेलो फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश क्लास का यह सेवंथ डे सीसीए स्पोकन इंग्लिश क्लास के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यस, वी हैव लर्न्ड वेरी वेरी इजी लेसन्स। वी स्टार्टेड विद सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट। वह एक अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय। नेगेटिव, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ गुड बॉय। शॉर्ट में हम इज नॉट को कह सकते हैं इजन। अब वे अच्छे लड़के नहीं है, दे आर नॉट गुड बॉयज। अब आर नॉट की जगह हम शॉर्ट में कह सकते हैं aren't, लेकिन एमट नहीं होगा, आई एम नॉट। जैसे मैं आपका नौकर नहीं हूं, आई एम नॉट योर सर्वेंट। इसके बाद आज इस सेवंथ डे के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक जिनका आंसर हम यस या नो में देंगे। हिंदी में ऐसे प्रश्न क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या वह एक अच्छा लड़का है, तो इज ही अ गुड बॉय, क्या मैं सही हूं, एम आई राइट, क्या आप जल्दी में हैं, आर यू इन ए हरी। वही सिस्टम है, ही शी इट सिंगुलर नाउन हो तो इज, आई के साथ एम, वी यू दे प्लूरल नाउन होने पर आर का यूज करते हैं। क्या पहले आ जाएगा, तो इसी इज एम आर को हम पहले ले लेंगे। क्या बाहर कोई है, इज समबडी आउटसाइड, क्या मैं आपका नौकर हूं, एम आई योर सर्वेंट, क्या आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आर यू माई गुड फ्रेंड। आंसर इसका यस या नो में होगा, जैसे क्या बाहर कोई है, इज समबडी आउटसाइड, तो यस देर इज समबडी आउटसाइड। क्या वह आपका भाई है, इज ही योर ब्रदर, आप कहेंगे यस ही इज माई ब्रदर, और नहीं है तो नो ही इज नॉट माई ब्रदर। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं यस ही इज, और नो होने पर नो ही इजन, शॉर्ट में ही इजन। क्या वे अच्छे लोग हैं, आर दे गुड पीपल, यस कहना है यस दे आर गुड पीपल, नहीं कहना है नो दे आर गुड पीपल। शॉर्ट में बोल सकते हैं नो दे आर, ये शॉर्ट रेस्पॉन्ड होगा। तो इस तरह से हम यस या नो के प्रश्नों में जब हमें हाँ या ना में पूछना है तो बस इज एम आर को हम पहले लगाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी तरह इंटेरोगेटिव के साथ नहीं भी हो तो वह हो जाता है इंटेरो नेगेटिव, इसे हम शॉर्ट में कहेंगे नेगेटिव क्वेश्चन। तो बस नोट हमें लगाना है, आप इज एम आर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं, इज ही नॉट, आर दे नॉट, और शॉर्ट में आप यूज कर सकते हैं इसका इज़न, आर का आर, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और राइटिंग में इंट्रोगेटिव और स्पोकन में सीधा। क्या वह एक अच्छा लड़का नहीं है, इज़न्ट ही अ गुड बॉय। क्या वे अच्छे लोग नहीं है, aren't they good people। क्या वह एक अच्छी सिंगर है, इज शी अ गुड सिंगर। क्या वह एक अच्छी सिंगर नहीं है, isn't she a good singer। क्या वे अच्छे खिलाड़ी हैं, are they good players। क्या वे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, aren't they good players। क्या मैं आपका दोस्त हूं, am I your friend। क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं, am I not your friend। हम यहां पर am I Not, फिर बात का ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एमंट नहीं करेंगे। तो आज के हम लेसन में इंट्रोगेटिव फॉर्म में यस नो टाइप क्वेश्चंस को सीख रहे हैं। इसके साथ ही यदि कोई हिंदी में प्रश्न क्या के अलावा किसी और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो हम क्या करेंगे, वह क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या आया तो क्या की इंग्लिश व्हाट, कहां वेयर, क्यों व्हाई, कब व्हेन, कौन हु, इसे हम पहले लगा देंगे। जैसे क्या वह किचन में है,
इज ही इन द किचन। अब इसकी वजह हमें यह पूछना है वह कहां है, कहां बीच में आया, तो वेयर इज ही। क्या वे अपने रूम्स में है, आर दे इन देयर रूम्स, और यदि यह पूछना है वे कहां है, वेयर आर दे, ये हो जाएगा। इसी तरह से इंटरोगेटिव में हम isn't, aren't के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे यदि हिंदी में प्रश्न बीच में आ रहा है। वह यहां क्यों नहीं है, why isn't he here? वे यहां क्यों नहीं है, why aren't they here? तो इस तरह से हमने आज सारे ही स्ट्रक्चर सीख लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। आइए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते हैं। लेते हैं अपन सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसी का इंटरोगेटिव फॉर्म, कन्वर्सेशन फॉर्म में हम कुछ बातचीत करते हैं। मैंने आपसे कहा हेलो आई एम भूपेंद्र शर्मा, हेलो आई एम भूपेंद्र शर्मा। अब आपसे मैं पूछूंगा आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम, इसी को शॉर्ट में बोलेंगे व्हाट्स योर नेम। मैंने कहा आई एम फ्रॉम उदयपुर, मैं उदयपुर से हूं। अब मुझे पूछना है आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने कहा आई एम ए स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। अब आपसे पूछना है आप क्या हैं, तो व्हाट आर यू। मैंने कहा माय हॉबीज आर टीचिंग एंड राइटिंग पोएम्स। अब आपसे पूछूंगा आपकी हॉबीज क्या हैं, तो व्हाट आर योर हॉबीज। इस तरह से इंटरोगेटिव फॉर्म में हम क्वेश्चन पूछना भी हमें आना चाहिए। इसी को एक साथ लेते हैं, हेलो आई एम भूपेंद्र शर्मा, व्हाट्स योर नेम। आई एम राजेश शर्मा। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम राजेश। आई एम फ्रॉम अजमेर। वेयर आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम उदयपुर। ओके, व्हाट्स योर एजुकेशन राजेश। माय एजुकेशन इज बीकॉम। व्हाट अबाउट यू। माय एजुकेशन इज एमकॉम। ओके, व्हाट आर योर हॉबीज राजेश। माय हॉबीज आर सिंगिंग एंड डांसिंग। व्हाट अबाउट योर हॉबीज। माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड डांसिंग। पहली बार हम मिले, छूट रहे हैं तो हम जवाब में कहेंगे पहली बार ही मिले हैं, जब हम विदा हो रहे हैं तो कहेंगे नाइस टू मीट यू, तो जवाब में भी होगा नाइस टू मीट यू टू। तो एक बार फिर आज के इस लेसन के साथ वी आर गोइंग टू फिनिश टुडेज लेसन। यू विल टॉक टू योर फ्रेंड, जस्ट थिंक दैट यू आर स्ट्रेंजर एंड यू आर गोइंग टू मेक डिफरेंट इंक्वायरीज, यू विल आस्क क्वेश्चंस, यू विल इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड। हियर वी आर गोइंग टू फिनिश टुडेज क्लास। थैंक्स अ लॉट। Have a nice day.